इट्स अनदर हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम क्वालिफिकेशन सिनेरियो के लिए, ना ही दोनों टीम्स के लिए बल्कि जो घर बैठी है उनके लिए भी, जो घर जा चुकी है खैर उनकी बात अलग है, वो तो पार्टी खराब करने के लिए जरूर तैयार होंगे, लेकिन हम बाप की पार्टी बनाने के लिए, पार्टी बनाने की कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट, तो उसके लिए हम फिर से आ गए। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स कवर्ड्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव अ विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तो है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर, आकाश चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा खिचड़ी बन चुकी है, कौन क्वालिफाई होगा, कितने पॉइंट्स पे होगा, इनफैक्ट 14 पॉइंट्स पे भी अब एक पॉसिबिलिटी है और ऑलमोस्ट सारी टीम बनी हुई है, कुछ को छोड़ के। आपके अकॉर्डिंग अभी भी जो है वो टॉप फोर कौन सी होगी वसीम सर? वो टॉप फोर में पंजाब तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरी टॉप फोर में गुजरात, सीएसके। सर पंजाब क्यों नहीं होगी टॉप फोर में? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब क्यों नहीं होगी? ऑब्वियसली अगर हार गए यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है, बट अभी भी होप्स आर हाई। तो आई एम सेइंग गुजरात सीएसके एंड गुजरात सीएसके एंड MI और लखनऊ में से मुझे लगता है एक होगा, और पंजाब तो है ही, पंजाब तो है ही विदाउट अ डाउट, फाइनल खेल रही है, प्लेऑफ्स की बात नहीं करते हैं, फाइनल खेल रही है। अगर सर आपकी टॉप फोर? मेरी टॉप फोर में गुजरात, चेन्नई, RR और चौथी टीम में थोड़ा फाइट रहेगा, हो सकता है, आई मीन बाय द टाइम दिस गोज ऑन एयर एक मैच हो चुका होगा, तो वो अगर मुंबई जीत गई तो फिर चौथी मुंबई, अगर वो मुंबई हार गई तो थोड़ा सा और खिचड़ी मचेगी मुझे ऐसा लगा। तो फिलहाल आज के बाद पे चलते हैं, चेन्नई हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में है गेम। दोनों टीम्स का आखिरी मैच जो हुआ था इस सीजन वो हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ में आपको पता ही है लखनऊ में कौन चलता है, कृणाल पांड्या और ब्लैक सॉइल। तो उस मैच में 3 विकेट्स लेके गए थे और 120 का मैच था, वो 30 रन भी कर गए थे, सब कुछ कर गए थे उस दिन वो, और बाकी कुछ बहुत ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया था ताबड़तोड़। इस मैच में आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शंस कौन, क्योंकि अब हम आ गए हैं हैदराबाद में जहां पे 170 के आसपास का हमें विनिंग स्कोर, एवरेज स्कोर देखने को मिला है और 4 बार 5 में से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम इस सीजन जीती है। वसीम जी आप एक कैप्टन, वाइस कैप्टन? मेरे होंगे कैप्टन मार्कस स्टोइनिस और दूसरे होंगे एडन मार्करम। आई जस्ट फील एडन मार्करम का खेलना बहुत जरूरी है, अगेन सनराइजर्स लाइन में है और ये ग्राउंड पे थोड़ा सा खेल सकते हैं, बॉल इतनी स्पिन नहीं होती है, तो ही इज देयर रिलायबल मैन। तो एडन मार्करम और मार्कस स्टोइनिस अगेन बहुत अच्छे फॉर्म में है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो यू नो वेरी गुड चांस के ही गिव यू पॉइंट्स, तो ये दोनों मेरे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। इस मैच में थोड़ी और वैल्यू है क्योंकि अकेले ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्ट हैंडर्स है, क्विंटन डिकॉक भी आ गए हैं फाइनली, काइल मेयर्स भी अभी भी है, निकोलस पूरन है, तो जरूर बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन थ्रेट फिर से है खुद सामने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो कि हम ऑलरेडी इस शो में काफी बार बात कर चुके हैं कि लास्ट 1.5 साल में अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन नंबर्स बहुत ही ज्यादा खराब है, और लास्ट गेम में भी कृणाल पांड्या आए पहली ही बॉल पे उन्हें बोल्ड कर दिया। अब फिलहाल कृणाल पांड्या के 7 बॉल में 2 डिस्पोजल हो चुके, तो एक पॉसिबल थ्रेट वही है, बाकी बॉलिंग वैल्यू उनके साथ और मार्कस स्टोइनिस जो कि क्योंकि घर से बाहर चले गए फैंटेसी वैल्यू और बढ़ गई है, क्योंकि हमने बात की थी घर के जैसे पिचेस बना रखे हैं मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन दोनों से रन बन नहीं रहे जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, और जैसे बाहर आते हैं दोनों उनका फैंटेसी पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है, तो ऑलराउंड वैल्यू उनके साथ भी है, उनके साथ भी आप बस सेफ कैप्टन जा सकते हैं। आकाश सर एडन मार्करम एक हो गए, दूसरे कौन? हाँ तो एडन मार्करम एक हो गए और दूसरे वैसे जो वसीम का पिक है इट्स अ वेरी गुड पिक एक्चुअली मार्कस स्टोइनिस। आई एम थिंकिंग क्विंटन डीकॉक दो, क्विंटन डीकॉक ओपन कीपिंग, गुड फॉर्म और थोड़ी इसको मतलब आग भी लगी होगी ना कि इतने दिनों से खिलाया नहीं है, तो एक मैच में तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं। सो क्विंटन डीकॉक एंड एडन मार्करम आर माय चॉइसेस, पर मार्कस स्टोइनिस इज आल्सो वेरी डिसेंट।
ऑफ माई कैप्टन चॉइस जरूर रहेंगे, स्पेशली वाइल चेजिंग पी टी पी वैल्यू अच्छी खासी फॉर्म जब आए थे, उससे पहले रवि रन करके आ रहे थे और काफी टाइम तक खैर बेंच पे बैठे हुए थे, और उसके बाद लास्ट गेम में जब खेले तब भी रन किए, तो बहुत ही सेफ कैप्टन चॉइस पे रहते हैं। स्मॉलीज अगर आप खेलते हैं आपके ओपनर के बहुत हो गए कैप्टन क्विंटी डिकॉक खेलने वाले, लेकिन आप दोनों के ही कैप्टन चॉइस में क्रॉल बांटे रही है। क्या वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो एकाना में नहीं है, या फिर आपको लगता है कि अब हैदराबाद में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, या फिर इस साइड के अगेंस्ट, क्योंकि ये साइड लेफ्ट आर्म स्पिन लेग स्पिन दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। वसीम सर कुणाल पांड्या इज कैप्टनसी चॉइस। है इसमें कोई डाउट नहीं है। आई मीन डिफरेंशियल तो हो सकता है, लेकिन इस पिच पे इतनी हेल्प नहीं मिलती है। पहली बात तो यह है, बैटिंग का फॉर्म इतना बहुत बढ़िया नहीं है कृणाल पांड्या का, तो उस वजह से थोड़ा सा वो कम हो जाता है कि आप उनको बनाते हो या नहीं बनाते हो। बट अदरवाइज अगर एकाना में जैसे आपने कहा तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। बट यहाँ पे शायद उतनी हेल्प नहीं हो कंपेयर टू अदर ग्राउंड्स, तो उस वजह से आई एम कीपिंग हिम आउट ऑफ द कैप्टनसी ऑप्शंस। प्रकाश सर कृणाल पांड्या क्या अभी भी आपके थॉट्स में रहेंगे? नहीं, थॉट्स में रहेंगे, अच्छा लगा है। उन्होंने कहा भी था आजकल मैं दिख भी अच्छा रहा हूँ, तो वो थॉट्स में रहेंगे। दृश्यम भी अच्छी मूवी थी, पर बैटिंग करने के लिए अपने से ऊपर उन्होंने स्वप्निल को भेजा था यार। ही इज द कैप्टन ऑफ द साइड, तो बैटिंग वैल्यू क्या है दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये चार ओवरसीज बल्लेबाज फिर दोबारा खिलाते हैं, क्योंकि मार्कवुड आई बिलीव इज नॉट अवेलेबल, तो अगर ये चारों बैटर के साथ जाते हैं ओवरसीज वाले, तो फिर कृणाल पांड्या कब आएंगे, क्या आएंगे? तो अगर कब और क्या का क्वेश्चन है, तो फिर तो सिर्फ थॉट्स में ही रह सकते हैं। बाकी तो कप्तानी वाइज कप्तानी में तो चांसेस नहीं है। टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी सवाल है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि ऑलराउंडर ऑप्शन इस वाले मैच में जहां पे खेलती है ना LSG, वहां ऑलराउंडर के ऑप्शन एकदम से ऑप्शन खुल जाते हैं, और वहां पे तो आपको मार्करम और मार्को यंसन भी मिलेंगे, जान निकल जाएगी बनाने में। टीम में तो ले लो सर, टीम हाँ से बनाएंगे टीम, फिर ले लेंगे बाद में देखते हैं। वसीम सर फिलहाल वो प्लेयर जिसको आप नहीं ले रहे हैं आपके प्लेट अवॉइड। आई मीन बहुत सारे प्लेयर्स सब बढ़ा दो सर। हैं, बुला दो। हाँ आई डोंट नो, आई मीन कृणाल पांड्या इज वन ऑफ देम, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मे बी आप विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट हिम। दीपक हुडा अगेन, अगर खेलते हैं तो जिस तरह का फॉर्म है, दीपक हुडा भी बहुत मुश्किल है। आवेश खान अगेन बहुत बढ़िया फॉर्म में नहीं है, इज बिन एक्सपेंसिव। तो ये दो तीन ऑप्शन है मुझे लगता है कि विच यू विल फाइंड टू गेट इन टू द साइड। अगर सर लंबी लिस्ट लंबी होती है यार, मतलब 11 लोगों तो नहीं होंगे सिलेक्ट, ये बात पक्की है। तो उसमें उसमें ग्लेन फिलिप्स अच्छा खेल के आए हैं पिछले मैच में, पर इस मैच में नहीं होंगे क्योंकि जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं वहां वो नहीं जमेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि निकोलस पूरन, क्विंटन डीकॉक, हेनरिक क्लासन, या आपके पास तीन कीपिंग के विकल्प है जिसमें से हो सकता है कि यहाँ पे आपको निकोलस पूरन को भी छोड़ना पड़ जाए, तो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिलेक्शन। कृणाल पांड्या की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। काइल मायर्स घर से बाहर जायंट रॉबर्ट की तरह आते हैं, तो फिर उनका क्या करोगे? तो समस्याएं काफी हैं, तो काफी लोगों को छोड़ना पड़ेगा इवेंचुअली, तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मुझे लग रहा है आवेश शायद आप ना छोड़ पाए, क्यों? क्योंकि अगर पहले बॉलिंग कर रही है LSG, तो आवेश इस बार इस टीम के डेथ बॉलर हो सकते हैं। यह लास्ट मैच में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी विकेट पिक करने की, वो एक विकेट जो दिला दिया प्रेरक मनकट ने उड़ते हुए कूदते हुए, बस वो विकेट आया था, उसके बाद पूरी टीम को ही विकेट से नहीं मिले थे। इनफैक्ट आवेश खान इस बॉलिंग लाइनअप में आप जरूर इतने बॉलिंग कर सकते हैं, अगर नवीन उलख नहीं खेलते हैं जरूर आप पिक कर सकते हैं। फिलहाल जिसको पिक कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं आज, और टीम बना लेते हैं फिर देख लेते हैं। तो विजन इलेवन की बेस्ट टीम की बात कर लेते हैं, और सबको बताइए दुनिया भर का पैसा, भर भर के पैसा विजन इलेवन के पास, और एक जो आप में से हमारे व्यूअर है उनको भेज भी दिया हमने चेन्नई, और चेन्नई जाके आ भी गए हैं वो, मिलके भी आ गए हैं, इतना पैसा है। मिड की सेक्शन में आपके पास धर्म संकट है क्योंकि आपके पास निकोलस पूरन है, डिकॉक है, हैनरिक क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स है, और इवन अनमोलप्रीत सिंह भी हैं जो कि लास्ट मैच में खेले थे। अगर सर बताइए डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि मेरे को चार ओवरसीज प्लेयर नहीं सर, चार ऑलराउंडर मुझे चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन शायद दोनों के लिए जगह ना बने। इट विल बी अ सैड स्टोरी, पर देर इज अ गुड चांस। तो अभी के लिए आप सिर्फ क्विंटन डिकॉक को रख लो, बाकी दोनों अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके पास ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो टफ है।
या अगर आप पिक करना चाहते हैं दो बैटर वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपके पास में वो ऑप्शन है, तो आप एक बैटर कम कर दीजिए और यहाँ एक्स्ट्रा विकेट कीपर ले लीजिए। विजन इलेवन पे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऑलराउंडर्स फिर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे जो करना नहीं चाहते भी हो। वसीम से अगर आपको एक और विकेट कीपर पिक करना हुआ तो निकोलस पूरन, हेनरी क्लासन, फिलिप्स, अनमोलप्रीत सिंह, इनमें से किसी को आप पिक करना चाहेंगे? मे बी हेनरी क्लासन, एक्चुअली निकोलस पूरन भी बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है, अपने पुराने फ्रेंचाइज के सामने खेल रहे और होम से बाहर अच्छा खेलते, तो ऑब्वियसली यू नो यू विल बी टेम्पटेड के निकोलस पूरन, क्योंकि वो लखनऊ के पिच से फ्रस्ट्रेट होकर जब आपको अच्छी पिच मिलती है तो निकोलस पूरन उस तरह के प्लेयर है कि वो बिल्कुल पासा पलट सकते हैं, इज ड्यू फॉर सम रन, तो एक्चुअली निकोलस पूरन वो प्लेयर मेरे लिए हो सकते हैं। मैं भी शायद पूरन या हेनरी क्लासन में से एक पिक कर लूँ, डिपेंडिंग ऑन जगह बचती है या नहीं। फिलहाल के लिए क्विंटनिक कॉक के साथ खेलते हैं। बैटिंग सेक्शन में आपके पास राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, और तीसरे बैटर के लिए आप जो है आग बंद करके किसी को भी पिक कर सकते हैं, कुछ खास ऑप्शन आपके पास है नहीं। वसीम सर, आपके पास जो ऑप्शन है वो है दीपक हुडा, आयुष बदोनी, उसके अलावा अब्दुल समद हैं और मयंक बस अग्रवाल जो कि टीम में है नहीं। ऑप्शन मैं एक्चुअली आयुष बदोनी को पिक करूंगा, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के करूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और वो टर्निंग ट्रैक पे जिस तरह से उन्होंने खेला था सीएसके के सामने सिंगल हैंडेडली, तो यू कैन ट्रस्ट हिम, क्योंकि बैटिंग ऊपर करने आएंगे, ओवर्स मिलेंगे खेलने के लिए, एंड ही इज प्लेइंग वेरी मेच्योरली, तो आयुष बदोनी मेरे वो तीसरे प्लेयर होंगे। नहीं, आग बंद कर पिक करने है तो मेरा मतलब था नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर आप सामने देखेंगे तो बहुत इजीली जो है डायरेक्ट वही आपके टीम में आ जाएंगे। अगर सर सेम 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 आटर सेम 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 और सिक्स में चलते हैं, मार्कस स्टोइनिस, सेडन मार्करम, क्रुणाल पांड्या। क्रुणाल पांड्या क्या आप सबकी टीम में है या नहीं है? दिन का मैच है, दिन का मैच है, तो रख सकते हैं। वसीम सर, मैं अभी भी एक्चुअली थोड़ा सा नहीं की तरफ हूँ, क्योंकि कायल मायर्स को शायद मैं रखूंगा, क्योंकि वो हो सकता है कि एक आध दो और गेंदबाजी भी कर जाए और बैटिंग 0 और 50 के आसपास, तो कायल में इसको मैं पिक करूंगा ओवर कुणाल पांडे। अगर सर वैसे लास्ट मैच में इन्हें मिडिल ओवर्स के अंदर ओवर दिया गया था, उसकी क्या स्ट्रेटेजी? मैंने रख लिया है मायर्स को, मेरा सिर्फ मैंने मेरे जो चार हैं उसमें है स्टॉइनिस, मायर्स, मार्करम एंड कुणाल पांडे, मार्को यांसन मैंने कॉम्प्रोमाइज किया एक्चुअली, क्योंकि दिन का मैच है इसलिए, और मैं कह रहा हूँ कि क्विंटन डिकॉक मेरी कैप्टेंसी चॉइस है इसलिए, तो अगर मार्को यांसन को विकेट मिलने वाली है तो फिर मेरे कप्तान उप कप्तान मतलब कप्तान पे प्रेशर पड़ जाएगा, इसलिए क्विंटन डिकॉक को सेफ रखने के लिए मैंने मार्को यांसन को ड्रॉप कर दिया। तो अब क्योंकि आपने टीम में नहीं रखा है तो मैं आपको आंसर वो वाली लाइन भी नहीं डालेंगे कि गलती से आउट हो जाए क्विंटन। एग्जैक्टली, हो सकता है टीम ही ना खिलाए, हो सकता है वो कहे हम अकील हुसैन को खिला देते, क्योंकि दिन का मैच है यूसी, या फिर आदिल राशिद, यू नेवर नो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो हमारे तीन ऑलराउंडर्स हैं जो कि शॉर्ट शॉट है, मार्कस स्टोइनिस, सेडन मार्करम, इनफैक्ट वन बिटवीन काइल मेयर्स, कुणाल पांड्या, जिनको भी आप पिक करना चाहें, आपके पास चौथे का भी स्लॉट है, मार्को यांसन उनमें एक ऑप्शन है, या फिर आप पांच में से किसी भी चार को पिक कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जहां हम चार के साथ ही रहें। बोलिंग सेक्शन में आपके पास रवि बिश्नोई, उनके बेस्ट नंबर्स अगेंस्ट दिस साइड, सबसे ज्यादा विकेट्स, जॉइंट हाईएस्ट विकेट्स हैं 8, उनकी बेस्ट इकॉनमी, बेस्ट एवरेज, बेस्ट स्ट्राइक रेट, सब कुछ है, और क्या आपकी टीम में एक डिफॉल्ट सिलेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ आवेश खान, मयंक मार्कंडे और अमित मिश्रा भी है, भुवनेश्वर कुमार भी है। वसीम सर, आपके वो बॉलर बचे हुए दो, मैं जाऊंगा भुवनेश्वर कुमार और मयंक मार्कंडे की तरफ, मैं क्योंकि दिन का मैच है, भूवी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में भी डालने वाले हैं, तो भूवी होंगे और मार्कंडे अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, डे गेम है तो कहीं ना कहीं वो परचेज मिलेगा, बाउंड्री भी एक्चुअली काफी अच्छी खासी बड़ी है, तो मार्कंडे और भूवी। अगर सर आई एम श्योर मार्कंडे आपकी टीम में भी होंगे, तो रवि बिश्नोई, मयंक मार्कंडे, तीसरे बॉलर कौन, डिपेंडिंग ऑन टॉस या फिर अभी से मन बनाया हुआ है यही पिक करना है? जो पहले बॉलिंग करेगा, अगर पहले बॉलिंग हैदराबाद कर रही है तो नटराजन, अगर पहले लखनऊ कर रही है तो आवेश। वैसे मोहसिन खान भी खेले थे लास्ट मैच में, अभी तक फिलहाल वैसे टच में लगे नहीं है, बट क्या आप मोहसिन खान पे रिस्क लेना चाहेंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इस मैच में नहीं, थोड़े विकेट पिक कर लें उसके बाद में सोचेंगे। फिलहाल के लिए हमारा कॉम्बिनेशन रेडी है, बेस टीम सेट है हमारी, और जाने से पहले एक क्विकली एक ऐसा प्लेयर जिसपे आपको लगता है अभी भी जनता हमारी चांस नहीं ले रही, लेकिन आप लेना चाहें, आपके हाई रिस्क का रिवॉर्ड। वसीम सर,
अभिषेक शर्मा मुझे ऐसा लगता है बढ़िया प्लेयर है, रन बना रहे, स्पिन बड़ी अच्छा खेलते हैं, अगर जो भी स्पिन उनके सामने डाली जाएगी, प्लस हो सकता है बॉलिंग भी एक दो ओवर कर जाए, तो अभिषेक शर्मा मुझे ऐसा लगता है कि वो वाइल्ड कार्ड प्लेयर है। क्या सर? जिस भी टीम की पहले बॉलिंग है उसका लेग स्पिनर गुड वाइस कैप्टनसी चॉइस, वो मार्कंडे भी हो सकते हैं, वो बिश्नोई भी हो सकते हैं, आई मीन यू कैन पिक हू एवर यू वॉन्ट। दिन का मैच मई सेकेंड वीक, आई मीन द बॉल इज टर्निंग और दोनों के पास एक की लेग स्पिन के सामने वैसे ही थोड़ी सी हवा टाइट हो जाती है, दैट इज हैदराबाद, और सामने अगर चार चार ओवरसीज बैटर्स खेल रहे हैं तो फिर आपके दूसरे भी जो लेग स्पिनर होंगे चाहे उसमें लेफ्टी क्यों ना हो, अब फिर भी उनकी वैल्यू है मेरे हिसाब से, तो हुएवर इज बॉलिंग फर्स्ट उसका लेग स्पिन। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है और दूसरे मैच का प्रीव्यू भी मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लो तुरंत, इसके बाद में वहां चले जाओ और दोनों की टीम बना लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। और जाते जाते कि भाई क्वेश्चन जो कि आज वसीम सर पूछ लेते हैं। एडन माक्रम का स्कोर जो मैंने तो कप्तान बनाया है तो 45। सर आज आप कम में मान गए 45 हाँ कप्तान, मैं वही कहूँ, लो लो कर दिया आज तो एकदम, कप्तान से कह नहीं रहा है कि 45। 2 विकेट भी हाँ ले लियो। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी करेंगे ना मैनेज। 43, 43 मेरे 26 या 31 सर बताओ क्या चूज करें। 26 31 31 31 31 दे दिए, चलो मैं तो ये हमारा टाइम पास था। और अगर आपको जीतना है गिव अवे तो कमेंट कर दो एडन मार्करस आपको कितने लगते हैं। अगर आपको एक क्लोजेस्ट तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज 20% चांस हुए तो फर्स्ट लिस्ट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए। थैंक यू सो मच वसीम सर, आकाश सर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लेना, सबका कर लेना, और सबकी टीम मिल रही है व्यूस्पोर्ट की ऐप, नहीं डाउनलोड करी तो वो भी कर लो। ओके बाय। ओके बाय, सी यू थैंक यू।